स्वागत है एक बार फिर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HP रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। पटवारी की पोस्ट थी तो किस प्रकार से पहले क्वेश्चन आए थे और एक्सपेक्टेड जो है या सैंपल पेपर जो अब आ सकते हैं, और इस पर उम्मीद है कि इस जो पटवारी की जो पोस्ट है भरी जानी है, अब नोटिफिकेशन आ सकती है कभी भी सरकार पर है, वो कब नोटिफिकेशन जारी करती है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और पहले जिस प्रकार से क्वेश्चन आए थे वो आज हम आपको जानकारी देंगे। पहले हम आपको इंग्लिश में आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, हिंदी में हम खुद आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, की आपको बताना था। क्वेश्चन था हिंदी में, कौन सी झील किन्नौर जिले में है, इनमें से कौन सी झील किन्नौर जिले में है। अब झील के नाम थे सूरजताल, चंद्रताल, कुमारवा और नाको, ये झीलें हैं। और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक झील है जो किन्नौर ज़िले में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, बिल्कुल सही है, नाको झील किन्नौर में है। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको बताना था। हिंदी में क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो आपको बताना था कि सबसे चोटी ऊंची चोटी जो हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, किन्नर कैलाश है, सिपकी है, लियो पारगिल है और सिल्ला, इनमें से कौन सी है, तो वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिल्ला, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हेन डिड गांधी जी विजिट शिमला, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था गांधी जी ने शिमला प्रवास कब किया या शिमला वो कब आए थे, तो इसका राइट आंसर आपको देना था। हिंदी में हम आपको बता रहे हैं, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी शिमला कब आए थे, तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई 1921 को, ये बिल्कुल सही होगा, 12 मई 1921 को, ये बिल्कुल सी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना है, तो इसका जो सी है ये 62, ये बिल्कुल सही होगा। अब 62 कैसे है, 1963 में एक संशोधन हुआ था, 15th Amendment जिसको हम कहते हैं 15वां संशोधन, उसमें ये 62 की गई थी, ठीक है। तो आप चाहे तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा 1963 में ये अमेंडमेंट हुआ था और 15th Amendment था, ये संशोधन था, तो इसमें 62 की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द डेलीगेशन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स डन, ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था और हिंदी में क्वेश्चन था संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया था, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर देना था आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है और आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 1978, ये बिल्कुल सही होगा, 44वां संशोधन हुआ था और बिल्कुल सही है। तो संपत्ति का अधिकार, फिर उसको संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको बाद में निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद वो 300 ए, ये अब इसमें ये मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 300 ए में है संपत्ति का अधिकार, पहले था ये फंडामेंटल राइट जैसे मौलिक अधिकार, आपको पता चाहिए अधिकार है आपके मौलिक अधिकार, पहले 7 थे अब 6 है, ठीक है। तो ये इसको निकाल दिया गया था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, ये आपको पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, इसका बिल्कुल सही होगा ये, ठीक है। तो पहले इस प्रकार से आपको पटवारी के जो एग्ज़ाम हुए थे वो क्वेश्चन आए थे, और अगर आज आपको आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चन तो गारंटी देता हूँ मैं आपको कि आप में से सब सेलेक्ट हो जाएंगे, परंतु आप जो होगा टर्म कंपटीशन उसका बहुत टफ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है मैकमोन लाइन इज रिलेटेड टू, मैकमोन रेखा से किसका संबंध है, कौन से जो देशों के नाम आपको दिए हुए आपकी स्क्रीन पर, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश से मैकमोन रेखा का संबंध है। तो इंडिया चाइना, ये बिल्कुल इसका सही रहेगा, इंडिया चाइना के बीच है मैकमोन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 8,
स्टेट सेंटर जॉइंट सेक्टर 715 मेगावाट लोहरी हाइड्रल प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इज बुलेट ऑन विश रिवर, ये आपसे पूछा गया था। और हिंदी में क्वेश्चन था, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लोहरी विद्युत परियोजना शिमला जिले के किस नदी पर बनाई गई, आपको पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है कहाँ पर, तो शिमला में है ये तो आपको लग गया होगा पता। और कितने मेगावाट का है, तो 750 मेगावाट का है, ये भी आपको ज़रूरी है जानना। और स्टेट का या सेंटर का, तो ये जॉइंट है दोनों का, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी पर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सतलुज डी, जो अब ये बिल्कुल सही होगा। और कब शुरू हुआ था ये, 2010 में, ठीक है, तो ये इस प्रकार से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट था, इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी में क्वेश्चन ये होगा आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 मार्च बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था वो कब मनाया गया, तो उसका राइट आंसर होगा 1911 में। और क्यों मनाया जाता है, ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक दिन ये महिलाओं को, स्त्रियों को समर्पित होता है। तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 1911 में पहली बार इसको मनाया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज, एरिया वाइज पूछा हुआ है, मीन्स कि क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ा कौन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा है आपका लाहौल स्पीति, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा, और सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम के, और सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है गोवा में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने 5 से 7 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ही बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो एरिया वाइज हिमाचल का है हमीरपुर, ठीक है। और अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, तो वो है लाहौल स्पीति। हालांकि नाम उसका बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, परंतु उसका जो आबादी है वो बहुत कम है। अब सबसे ज़्यादा आबादी हिमाचल की कहाँ पर है, तो हिमाचल की है कांगड़ा में, और सबसे कम कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लाहौल स्पीति, सबसे छोटा है हमीरपुर, सबसे साक्षर जिला कौन सा है, सबसे एजुकेटेड जिला कौन सा माना जाता है, तो हमीरपुर। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है, बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ये आपको बताना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम, सही होगा, ठीक है, 30 साल राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए, और 25 साल है लोकसभा के लिए, ठीक है, ये आप नोट रखिएगा। तो आर्टिकल 84 राज्यसभा के सदस्य के लिए, और लोकसभा के लिए आपका जो आर्टिकल है वो है 84 की जो आपका सेक्शन बी है उसमें सेम रहेगा ये, ठीक है। और एमएलए के लिए चाहिए, एमएलए के लिए जो एज होनी चाहिए वो आपकी 25 साल के बीच होनी चाहिए, और उसका जो आर्टिकल है वो है 173 का सेक्शन इस प्रकार से बी ए आएगा एमएलए के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल कौन से है, या फिर एज का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया हुआ है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और बहुत से लोग इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग आपको बताते हैं कि हम धर्मशाला गए थे या घुमारवी गए थे या जोगिंद्र नगर गए या सुंदर नगर हमने ट्रेनिंग की, तो उसी को वो सच मान लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, राज्य प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है रेवेन्यू का, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। रेवेन्यू की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो कहाँ पर होगी, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, जोगिंदर नगर मंडी में है ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही रहेगा। तो तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा, और डेली आप इस चैनल पर हिमाचल जेके के क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे, तो चैनल पर बनेगा, और जो भी आपका सवाल होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, ये आपको बताया गया है,
पूछा गया आपसे कि पुराना वेद इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो पुराना वेद कौन सा है, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, तो ये आपसे पूछा गया, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऋग्वेद, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आएगा इसका। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 14, और आपसे पूछा गया था हु वाज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स आप इसको कह सकते हैं, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, हिंदी में क्वेश्चन है, और आपको बताना था किसने लिखा था, समुद्रगुप्त, कालिदास, विष्णुगुप्त, प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर है विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम थे इनके, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 था हु इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी, ये आपको बताना था, हु इज द कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ स्लैब, स्लैब मीन्स दास, ठीक है, डायनेस्टी, साम्राज्य। तो क्वेश्चन था दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, आपसे पूछा गया कि दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। अब माना किसको जाता है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कब की थी, 1206 में, ठीक है, 1206 में, ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जब गोरी मारा जाता है, मर जाता है वो, तो उसके बाद फिर ये दिल्ली का राजा बन जाता है, ठीक है, हालांकि गुलाम होता है। इसके बाद जो दो से तीन बाद में जो राजा बनेंगे उनमें से एक बगदाद के खलीफा से एक प्रमाण पत्र आप ये मान ले सकते हैं कि सर्टिफिकेट ले लेता है कि अब मैं गुलाम नहीं हूँ, तो उसको गुलामी से दास्ता से आज़ाद कर देता है खलीफा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ने की थी 1206 में गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है, और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका आपको, जैसे उसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन आया, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, सब वो इसी के वंशज थे या इसी के कोई इसका जुमाई था, कोई इसका कोई इसकी बेटी थी, तो इस प्रकार से जितने भी थे इसी के कुल के थे, ठीक है, आप ये मान सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह वगैरह सब इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 16 था राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी, ये आपको बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आपके लिए, तो आपको बताना था बिस सुल्तान स्टार राशन कार्ड सिस्टम, राशन कार्ड जो आज आप राशन कार्ड बनाए हुए वो किसने शुरू किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1398 में अलाउद्दीन खलजी का जो शासनकाल है वो शुरू होता है, ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ मैं, परंतु जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी 1398 में अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल शुरू होता है। और ये एक ऐसा राजा था जिसके एक जो राजमहल था उसके जो जहाँ तक पड़ा है और बताया गया कि अलाउद्दीन खलजी इतना क्रूर था कि वो अपने शत्रुओं को अपना भय दिखाने के लिए एक व्यक्ति की जो गर्दन होती है उसको काट कर अपने राजदरबार के सामने लटकाता था ताकि उसका भय उसके जो विरोधी उनमें बना रहे। तो इसने की थी राशन कार्ड प्रणाली, ये सिस्टम की शुरुआत की थी। उस टाइम होता ये था कि जब उस टाइम मान लो कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जितना भी किसान उसको कर के रूप में जो राशन देते थे वो उसने एक आप ये मान सकते कि वर्तमान में जो आप जैसे सरकार द्वारा जो अनाज भेजा जाता है वो गोदामों में रखा जाता है, तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खलजी ने भी वो रखना शुरू कर दिया था। और फिर जब ज़रूरत पड़ती थी जनता जो थी वो थोड़ा कर देकर या पैसे देकर वो कम दाम पर वो अलाउद्दीन खलजी के जो गोदाम था या जो उस टाइम उसने अपना एक अलग से मंत्रालय बना दिया था वहाँ से लोग राशन ले सकते थे। तो इसने अलाउद्दीन खलजी ने राशन कार्ड प्रणाली की शुरुआत की थी। अब जो शेरशाह सूरी है इसने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने आज की जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, आज जो आपका देख रहे हैं ये जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो शुरुआत की थी ये शेरशाह सूरी द्वारा की थी। और शेरशाह सूरी ने ही एक और शुरुआत की थी ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसका नाम आज गाने में भी सुनते हैं आप, तो इसने ये शेरशाह सूरी ने जीटी रोड की शुरुआत की थी, ठीक है। तो जीटी रोड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो शुरुआत की थी वो शेरशाह सूरी ने की थी, अलाउद्दीन खलजी ने की थी राशन कार्ड प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने अपने चाचा को ही मारकर अपना राज्य शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने अकबर का जो पिता था हुमायूं उसको हराया था, बाबर ने राणा संग्राम सिंह को हराया, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन वाज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है
नेपोलियन का संबंध किस देश से था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस, ये बिल्कुल सही है, और स्पेनिश, इटली और जो है इंग्लैंड वगैरह, तो इसमें से इसकी हालांकि कब्ज़ा वगैरह इसने कोशिश की थी कब्ज़ा करने की परंतु हुआ नहीं था। परंतु ये आपसे पूछा गया था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस देश से है तो वो इंडिया से रहेगा, तो उसी प्रकार से नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि की रचना किसने की है ये आपको बताना है। तो शरतचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। तो रविंद्रनाथ टैगोर की ये गीतांजलि है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। नेक्स्ट था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, इन विच ईयर स्वेज कैनल वाज ओपन फ्रॉम ट्रेड, किस वर्ष स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोल दिया गया था या कब खोल दी गई थी आपसे पूछा गया। तो स्वेज नहर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना था कि किस वर्ष इसे खोला गया था। तो 1869 ये बिल्कुल है, 17 नवंबर 1869 ये बिल्कुल सही रहेगा इसका, इस दिन 17 नवंबर को ही 1869 को इसे व्यापार के लिए खोल दिया गया था, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। स्लोगन दिल्ली चलो वाज गिवन बाय किसने दिया था ये आपको बताना है, कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था ये आपको पता होगा, तो सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड इन ये आपको पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो डैश में हुआ था या गठन जो हुआ वो कब हुआ था आपसे वो पूछा गया, ठीक है। इसमें आपको एयर दिए गया कि संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है जिसको UNO कहते हैं, ठीक है, UNO एक एक अक्षर आप इसका उठा लीजिएगा, पहला जो वर्ड आपको दिया हुआ है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी इसकी 1945 में, हुई क्यों थी वो आपको बता देते हैं। दिन था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इससे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसको उसके बाद, ठीक है, पहला विश्व युद्ध तो हिटलर और जितने बेल्जियम वगैरह थे वो सब कुछ एक, और आज के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके सब राजाओं एक वो अपनी दुनिया को अपना गुलाम बनाने के लिए वो पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। और कहते हैं कि आज भी जो पहला युद्ध हुआ था वो जहाँ पर जिस प्रकार से आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, एक वो गली जैसी बनी होती है उससे वो फाइट कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो उसी में प्रथम विश्व युद्ध के मैंने कुछ गूगल पर एक इमेज में देखा था कि वो जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर उनके कंगाल आज भी उनके ढूंढे गए, खोजे गए, वहाँ से तो महामारी फैल गई थी और उसके बाद जो जितने सैनिक भी मारे गए थे, पहला युद्ध खत्म, पहला जब तक अमेरिका उस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करता है तब तक वो पहला युद्ध चलता रहता है, ठीक है। जिस दिन फिर 1918 या 19 में जब अमेरिका युद्ध में भाग होता है तो वो युद्ध फिर शांत हो जाता है, ठीक है। युद्ध शांत होने के बाद फिर सभी देशों के प्रतिनिधि आप ये मान सकते हैं उस टाइम बनाते हैं लीग ऑफ नेशन, जैसे आज है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO है या संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में इसको कहते हैं आज का, और उस टाइम बना था लीग ऑफ नेशन जिसका काम था कि युद्ध के अगर स्थिति बनती है तो वो शांति के लिए काम करेगा। हालांकि उसकी सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह जिस प्रकार से आज सिक्योरिटी काउंसिल है और सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली है 8 जैसे यूनेस्को है और बहुत सी अभी इसकी आप ये मान सकते हैं कि अलग अलग हर काम के लिए UNO की अलग से एक संगठन या आप बने हुए, ठीक है, जैसे यूनेस्को है, तो उस प्रकार से जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई तो उसका काम था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो पाए। जब दूसरा विश्व युद्ध को लीग ऑफ नेशन रोकने में नाकामयाब रहा, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराए जाते, उसको देख कर फिर दुनिया की नींद आँखें खुल जाती है और वो हैरान हो जाते हैं कि अगर इस प्रकार से पूरे दुनिया में परमाणु वस्त्रों का प्रयोग हुआ तो धरती का विनाश हो जाएगा।
तो फिर उसके बाद बनता 24 अक्टूबर 1945 के सभी प्रतिनिधि मिलकर ये निर्णय लेते कि भविष्य में तीसरा युद्ध ना हो पाए, इसलिए हम यूएनओ का गठन करेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट परम वीर चक्र विनर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो ये आपसे पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे या कौन है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो आपको राइट आंसर देना था, तो सोमनाथ शर्मा जो है ये बिल्कुल इसका सही रहेगा। नेक्स्ट था, हिमाचल प्रदेश इमर्ज एज डैश स्टेट ऑफ इंडिया ऑन January 25, 1971 में। तो हिंदी में क्वेश्चन होगा इसका, हिमाचल प्रदेश भारत के कौन से राज्य के रूप में उभरा, या 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा। तो डैश राज्य मीन्स ये आपको बताना है कि कौन सा वो डैश राज्य था, तो ये 18th ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ग श्रेणी का था। अंद्रेटा इज फेमस फॉर, ये आपको बताना है, अंद्रेटा इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है ये अंद्रेटा, प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना था। कुशवंत सिंह के निवास के लिए, रोरिक आर्ट गैलरी के लिए, या सरदार अजीत सिंह स्मारक के लिए, ये आपको बताना है, या शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए अंद्रेटा फेमस है, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो लगता है आप क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो ऑफिशियल है, चाहे तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, अपनी बुक निकाल लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी, और जो भी है बिल्कुल सही हमने आपको जानकारी दी है। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज, यह आपसे पूछा गया था। हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, या क्वेश्चन ही पूछा जा, हिमाचल में सबसे बड़ी जो झील है जो स्वयं निर्मित की गई है वो कौन सी है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका होगा वो गोविंद सागर, तो गोविंद सागर ये बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो ये इसका बिल्कुल सही है। तो हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण पटवारी के, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर जुड़ जाइएगा। पंचायत सहायक पटवारी या पीएससी का या एसएससी का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व करके आपको इस चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप हमारे साथ जुड़िएगा, आप कमेंट करिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हिंदी पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।